A very nice introduction. Of course, we all are here and we try to learn from each other every day, each day. I think every minute, every second, each day, then we and the topic is the magic of leadership. जैसे अभी मनी मैम ने आपको बताया विथ माई प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी कि एक बार एक ओनर मिल का ओनर है वो नॉर्मली अपने मिल में या अपने इंडस्ट्री में फैक्ट्री में कारखाने में रेगुलरली विजिट नहीं करता तो एक दिन उसका मन हुआ कि मैं एक फैक्ट्री में अपनी फैक्ट्री में जाऊं और सबको मिलूं तो जब वो फैक्ट्री में जाते जो फोरमैन है मैनेजर है वो सामने आता है उसको वेलकम करने एक्साइटेड वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड दे कम अहेड टू मीट द ओनर दैट ही हैज कम आफ्टर सो मेनी डेज तो चलो इसको मिलते हैं इंप्रेस करने के लिए भी बट ही सीज दैट देयर इज अ पर्सन हु इज वर्किंग एंड हु इज लीस्ट बॉदर्ड जो आपको बॉदर करता है आपको ट्रबल करता है आपको तंग करता है वॉशरूम वो जाकर देखता है तो उसको लगता है कि हाँ द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड तो वो मैनेजर को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट कैन यू सी अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो तो अगर लीडर वही सही है
जो कोई प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस पर खरा उतरता है और उसको फुलफिल करता है. मैनी ऑफ अस विल थिंक करते तो करते नहीं करते हमें क्या लेना देना. ऐसा होता है या नहीं, सच बता? होता है ना. अगर कोई आपके क्लास में या आपकी फैमिली में या सोसाइटी में कहीं पर भी आपको ये लगता है कि नहीं, लीडर्स केयर मोर देन अदर्स थिंकर्स वाइज, कि नो टाइम वेस्ट हो रहा है क्यों करना है, बट दे आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्टेप, दैट इज व्हाई वो लीडर है और उसको डिस्टिंक्ट अलग उसकी पहचान होती है. देयर इज मोर देन अदर्स थिंकर्स से देयर इज मोर. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी डिफरेंट. Because they are leaders, and this leadership doesn't come. You, there is no medicine कि आपको पिला दे और कहें कि आप leader बन गए. It comes from within. It comes from within. There are people who want to be at the back, back seat. That doesn't mean they are not working. They are also working. But then there are people who want to come to the forefront. You can grow too. You can change. You can be more than what you are. This is for a student. कल मैम भी वो बता रहे थे, प्रिंसिपल मैम कई बार, अब ये भी एक सवाल है आप जवाब दें, कई बार आपके से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यू हैव कम टू एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव कम टू लर्न, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ग्रो, यू कैन लर्न, यू कैन चेंज, you can be more than what you are. You are an ordinary person, you can be extraordinary. You have not honed your talent, you can hone your talent. You have never been on the stage, you can be on the stage. You have never handled a project, you can handle a project. Your friends. अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, why leadership? अब आप जवाब दो. Why leadership? Why does an organization, a business house, an institution, or a home want a good leader? Now I want answer from you. Yes, Beta, stand up. Ma'am, the person with leadership skill, he or she, it can lead to more successful or success of a particular event or program. Very good. You want to say that a leader is still from you in any organization or in class. Class की बात करते हैं. तो ये class का monitor होता है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलता है और सारे students एक साथ आ जाते हैं, या group होता है. एक group कहता है नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, दूसरा कहता है हम तेरे साथ हैं. One group will say we are not with you. ऐसा होता है या नहीं? सही बोल रहे हैं? Yes. होता है? Yes. फेल हो गया तो फिर लीडर क्या करेगा? लीडर का काम क्या होगा कि पूरे ग्रुप को इस तरीके से हैंडल करना कि वो पूरा 45 स्टूडेंट्स का या 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो लीडर का कहां माने और उसके पीछे चले. दैट विल मेक दैट लीडर और मॉनिटर सक्सेसफुल. एक चीज और पर्सनल मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि देखो हम भी स्टूडेंट लाइफ से ही सबको ये बताना. कई बार ये भी होता है कि हम उस लीडर को सक्सेसफुल होने देना ही नहीं चाहते. सच सच बताना, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, हम सच सच बात कर रहे हैं. वन वीक यू मे से नो, बट देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर पीपल, स्टूडेंट पीपल, there are people, they will never want a particular person to be successful. और वो हर कोशिश करेगा कि वो मजा आए. बोलो ऐसा होता है कि नहीं है? होता है ना. तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी ड्यूटी ये बनती है, as a good human beings, not be the life pullers, but we should be the supporters. Because ये जो रंगमंच है ना, ये दुनिया जो है ये रंगमंच है, थिएटर है. यहाँ पर हम सब
किरदार है और किसी वक्त जिस जगह पर जो स्टूडेंट खड़ा है या जो भी लीडर खड़ा है उस जगह पर कभी आप भी खड़े हो सकते हो, तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या गड़बड़ की। गुड और बैड, यू हैव टू स्टैंड विद दैट पर्सन, बिकॉज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू हैव अ गुड लीडर they are your role models, teachers are your role models, some of the students are your role models, some actors, actresses, politicians, social activists are also your role models at times. होते हैं या नहीं होते? Yes. So आपको उनकी तरह बनना भी होता है and you have to prove your worth as well. अब आते हैं leadership qualities. Teach you the program. The aim is to एम क्या है? इम्प्रूव मी टू सेंसिटाइज यू। आपको सबको पता है कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, आप सबको पता है क्या कुछ होना चाहिए। आप बताइए इसमें से कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं बोली, एक तो बोली आता है
हम आज भी सीख रहे हैं, हम आज भी आपसे कुछ सीख रहे हैं। सो इफ यू फील दैट आई नो एवरीथिंग, दैट मींस आपकी इंप्रूवेशन होगी। बट इफ यू से दैट आई एम स्टिल इंप्रूविंग एंड लर्निंग, दैट मींस यू हैव अ लॉन्ग वे एंड वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर। पहला कैसा होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक रूलर कौन सा है? नेपोलियन, हिटलर, राइट? किसी का कहना नहीं मानता था। दूसरा, हर किसी डेमोक्रेटिक कह सकते हो, हर किसी का कहना मानता था, एग्जाम्पल क्या था, जो चाहे वो कर सकता है, राइट? फ्रीडम पूरी दी है। और तीसरा, प्रिंसिपल्स बना दिए। बट आई वुड लाइक टू एड वन थिंग हियर, दो वी हैव बैड लीडर्स, बैड जैसे ये सब आपने बता दिया, एक बार फिर one